बिहार शरीफ हिंसा पर कमिश्नर ने कहा कि बिहार शरीफ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बीती रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य व्यक्ति गोली लगने से जख्मी हो गए। इस मामले में पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि ने बताया कि अब तक 80 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ में पर्याप्त संख्या में पुलिस और सैप के जवानों की तैनाती की गई है। जो भी लोग गड़बड़ी करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो हालात हैं उस पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। किसी भी प्रकार के उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी भी तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा 24 घंटे इस पर पैनी नज़र रखी जा रही है और विशेष रूप से कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों की पहचान सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से, सूचनाओं के माध्यम से करके गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं और अभी विशेष अभियान चला करके 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं, जो अनावश्यक रूप से उस पर जमावड़े करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में भी लगातार माइकिंग करके अनाउंसमेंट किया जा रहा है और धारा 144 के तहत ऐसे किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोका जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। तो पूरी स्थिति जो है अभी बिहार शरीफ में नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। कुछ जगहों पर कल घटनाएँ हुई थी, उन घटनाओं को लेकर के वहाँ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें शामिल लोगों की पहचान करके गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। आगे भी और हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई। जो हालात हैं उस पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। किसी भी प्रकार के उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारी भी तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा 24 घंटे इस पर पैनी नज़र रखी जा रही है और विशेष रूप से कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों की पहचान सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से, सूचनाओं के माध्यम से करके गिरफ्तारियां भी की गई हैं और अभी विशेष अभियान चला करके 80 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं, जो अनावश्यक रूप से उस पर जमावड़े करने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में भी लगातार माइकिंग करके अनाउंसमेंट किया जा रहा है और धारा 144 के तहत ऐसे किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोका जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। तो पूरी स्थिति जो है अभी बिहार शरीफ में नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। कुछ जगहों पर कल घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को लेकर के वहाँ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें शामिल लोगों की पहचान करके गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। आगे भी और हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई।